जिलेट सेविंग क्रीम लेना है और अच्छे से लगाना है, उतना ही लगाएं जितना दाढ़ी में यूज हो सके क्रीम। क्रीम लग चुकी है और दाढ़ी भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और आपको लेना है ब्रश और इसे पानी में भिगोना है हल्का। ये पानी में भिगो दिया और इसे इसको पकड़ने का स्टाइल, दो उंगली यहाँ पे रखें ऐसे और यहाँ पे ऐसे पकड़ना है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे फिंगर हाथ रखना है ऐसे, उसके बाद ऐसे ब्रश पकड़ो, फिर हल्के हाथों से ब्रश चलाइए। खूब अच्छी तरीके से ब्रश चलाइए ताकि दाढ़ी मुलायम हो जाए। जो टाइट दाढ़ी रहती है उसे ब्रश से ही बनाएं, इससे दाढ़ी अच्छे से मुलायम होती है। कितने सही तरीके से दाढ़ी अच्छे से वॉश हो रहा है। इधर भी ऐसे हाथ लगा लेना है, ऐसे इस तरफ कर लेना है। जिलेट की ब्लेड लगाना है उस ट्रे में, अच्छी ब्लेड है ये, ब्लेड फिट हो गई है। अब अस्त्र हमें कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे अंगूठा रखना है और ऐसे करना है, हाथ को अलग करना है और हल्के हाथों से नीचे की ओर लेके आना है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे करेंगे धीरे 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 ऐसे लेकर के आएंगे। सो गाइज, अब हमें अस्तुरा ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ना है और यहाँ पे ऐसे रख करना है ऐसे। यही चीज आपको समझना है ऐसे ऐसे। और अब हम कैसे निकालेंगे दाढ़ी, यहाँ पे अंगूठा रखेंगे ऐसे टाइट करेंगे और ये वाले फिंगर यहाँ पर लगाएंगे ऐसे और ये अस्तुरे को ऐसे करना है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालें ऐसे। तो इससे क्या होता है, हमें नीचे वाली दाढ़ी निकालने में थोड़ा आसानी रहेगी और इसे हम ऐसे करके निकालेंगे और फिर उसके बाद ऐसे चमड़ी को टाइट रखेंगे फिर ऐसे अस्तुरा चलाएंगे ऐसे करके और हाथ को एक कपड़े से अच्छे तरीके से हाथ क्लीन रखें यानी साफ रखें और फिर उसके बाद यहाँ पे अंगूठा रखना है, आप फिंगर रखना है, फिर अस्तुरे से हमें ऐसे निकालना है ऐसे करके। ऐसे करके एक साइड कंप्लीट हो गया। सो गाइस, अब हम आपको इस तरफ बताते हैं, यहाँ पे उस्तुरा हमें ऐसे पकड़ना है ऐसे ऐसे और यहाँ पे ये खत को अलग करना है ऐसे। थोड़ा थोड़ा लेकर के आना है नीचे तक, बस यहीं तक, यहाँ से हमें ऐसे पकड़ना है ऐसे करना है। ऐसे करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे चमड़ी को टाइट रखेंगे और अच्छे तरीके से अस्तुरा चलाएंगे बहुत ही सावधानी से ऐसे करके।
जितना मांस मांस को सॉरी चमड़ी को टाइट रखोगे उतना ही अच्छे से अस्तूरा चलेगा जी। फिर उसके बाद यहाँ पे टाइट रखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे 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 अब ये मेन दाढ़ी आपको निकालना है। यहाँ पे ऐसे थोड़ा ऊपर उठाएं और यहाँ पे दोनों फिंगर लगाएं, ऐसे अस्तूरा लगाएं एकदम हिसाब से, थोड़ा थोड़ा निकालें। यहाँ पे टाइट दाढ़ी है ना, यहाँ पे ऐसे फिंगर को हिसाब से लगाएं और जितना ही मांस को टाइट रखेंगे उतना ही अच्छे से लेजर चलेगा। फिर यहाँ पे फिंगर लगाएं, फिर अस्तूरा को आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालें, ज़्यादा टाइट दाढ़ी है तो भाई आपको बहुत ध्यान से देखना है, आपको 100% आपको दाढ़ी बनाना आ जाएगा। और यहाँ पे हमें निकालना है ऐसे करके, अब यहाँ पे हमें ऐसे अंगूठा रखना है यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। एक साइड कंप्लीट हो गया, सो गाइस अब दोबारा राउंड हम दाढ़ी बनाने बनाएंगे, आपको उसको भी दिखाएंगे दोबारा राउंड कैसे अपनी हमें होना है अच्छे से दाढ़ी को। फिर हाथ फेरना है ऐसे करके, वो बच्चे से हाथ चलाएं ताकि दाढ़ी मुलायम हो जाए अच्छे तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो। फिर उसके बाद साबुन लगाएं, हाथ को अच्छे से सफा करें। फिर उसके बाद हम ब्लेड चेंज करेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट दाढ़ी है इसकी वजह से। अब हमें क्रास दाढ़ी बनाना है, ऐसे ऐसे करना है आप, ऐसे आपको क्रास अस्तूरा चलाना है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसे करके। फिर उसके बाद ऐसे चमड़ी को टाइट रखेंगे और ऐसे अस्तूरा चलाएंगे, हमें क्रास और दाढ़ी एकदम क्लीन करना है ऐसे, जितना ही मांस को चमड़ी को टाइट करोगे उतनी अच्छे से दाढ़ी बनेगी अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें हल्का नीचे करना है और यहाँ पे मांस वैसे टाइट खींचना है और ऐसे अस्तूरा चलाना है ऐसे। इससे क्या होता है दाढ़ी एकदम निकल जाती है अच्छे से। फिर यहाँ पे हमें अंगूठा रखना है, ऐसे करना है, से करना है। फिर यहाँ पे उसको ऐसे पकड़ लेना है ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे करना है, हमको क्रास दाढ़ी लेके आना है ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे टाइट करेंगे ऐसे, फिर ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे टाइट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे उठाएंगे निकालेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर इसको हल्का ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे उन फिंगर उसको, ऐसे चलाएंगे। फिर यहाँ पे ऊपर उठाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, जितना ही चमड़ी को टाइट करोगे अच्छे से उतने अच्छे से उसको चलेगा।
फिर यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा जैसे निकाला हो इसी तरीके से आपको निकालना है। ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे निकाल लेना है दोनों साइड का, और हमें मूंछ फिट करना है। आपको मूंछ भी फिट करके बताते हैं एकदम राइट। ऐसे करके दाढ़ी कंप्लीट हो गई है, तो भाई आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से दाढ़ी कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना। सो भाई आपको मूंछ सेट करके दिखाते हैं, हमें कंघी लेना है और उसके बाद ऐसे बाल को सब साइड में करना है ऐसे, और मूंछ को इस साइड वाले को अलग करना है, ऐसे करना है। फिर उसके बाद ये जो कोट के नीचे लटक रहे हैं इसे हमें लेगल में करना है ऐसे करके, और जब यहाँ पे कैंची चलाएं तो दो उंगली को ऐसे कर लें, ऐसे कर लें जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे उंगली लगा के ऐसे कैंची चलाएं। बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो इसको हमें ऐसे करना है, और ऐसे करके हमें बरोबर कर देना है ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे करके ठीक है, तुम सब हमका ठीक है।